गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 11th की एक और मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग ने एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। उस एक्सियोमेटिक अप्रोच में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक लगाया था। अब हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 16.3। कैसे होगा ये देखो, देखो क्या दिया है। देयर आर 4 मैन एंड 6 वुमेन ऑन द सिटी काउंसिल। इफ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर अ कमिटी एट रैंडम, हाउ लाइकली इज टू बी दैट इट इज अ वुमेन। ठीक है, एक एक कमिटी है, मतलब काउंसिल में 4 आदमी और 6 औरतें, 6 मैन एंड 6 वुमेन एंड 4 मैन है। इफ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड, एक आदमी को सिलेक्ट किया गया, हाउ लाइकली इज दैट इट इज अ वुमेन, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक वुमेन होगी, ठीक है ना? तो सैंपल स्पेस हमारा क्या है, M1, M2, M3, M4 एंड W1, W2 अप टू W6। समझ पा रहे ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज हो गई, M1, M2, M3 अप टू, सारे के सारे पॉसिबिलिटीज क्या क्या, 4 आदमी आ सकते हैं और 6 वुमेन आ सकती हैं, उनकी उनका कलेक्शन हो गया ये, ठीक है ना? अब इनके कलेक्शन के बाद देखो आगे क्या बोला है। इन अ फैमिली, सॉरी, एक काउंसिल में 10 लोग हैं, 4 आदमी हैं और 6 वुमेन है। इफ वन काउंसिल मेंबर, एक आदमी को सिलेक्ट किया गया, हाउ लाइकली इज दैट इट इज अ वुमेन, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना? सैंपल स्पेस है, इवेंट ई बना लो, क्या गेटिंग अ वुमेन। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया ये, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, W1, W2 अप टू W6, ठीक है? देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 यूनियन W2 अप टू W6। अब सारे के सारे आपके क्या हैं, एक्सियोमेटिक अप्रोच, सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W6, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/10 प्लस 1/10 अप टू 6 टाइम्स, ठीक है ना? 6 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 6/10 यानी कि 3/5। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. बहुत सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत बेसिक लेवल का प्रोबेबिलिटी है ये। नेक्स्ट देखो, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक कॉइन को 4 बार उछाला गया, तो कितने आउटकम आएंगे, 16। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लॉस ₹1.5 फॉर ईच टेल टर्न्स अप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर 4 कॉइनों को उछाला गया, अगर हेड आया तो वो ₹1 जीतेगा, अगर टेल आया तो ₹1.5 लूज करेगा। देखो जैसे क्या है, इसको इस तरह से समझना, देखो कैसे करोगे, पहले तो इसका सैंपल स्पेस देख लो क्या है, सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस के बाद एक चीज और इस पे कहां गई, फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर अ 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, क्वेश्चन समझ लो, सैंपल स्पेस आपको पहले डिजाइन करना है, इसका 4 कॉइन के लिए डिजाइन करना है, ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या करेंगे, हेड 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 हेड, एक टेल ले लो, हेड 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 टेल, समझ पा रहे हैं? इस टेल को शिफ्ट करते जाओ, हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड हेड, 4 पॉसिबिलिटीज हो गए ना एक टेल को लेके। अब कितने टेल को लेंगे, 2, हेड हेड टेल टेल,
हेड हेड, पहले दोनों टेल को साथ में रखते हैं, ठीक है, तो टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड हेड, ये हो गया। देखो कैसे किया मैंने, पहले एक टेल को लिया, फिर टेल को मैं शिफ्ट करते चला गया, फिर दो टेल को लिया, फिर उसको शिफ्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों टेल को साथ में रखा ना, अलग अलग कर दूंगा, तो क्या करूंगा, हेड हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, टेल हेड हेड टेल, एंड बस ये तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। और कुछ बनता है, एक और बनता है, नहीं एक तो ये दोनों तो हो ही गए, और टेल बाहर हो गया, ये हेड बीच में आ गया, और टेल बीच में आएगा तो वो वाला हो ही गया, ये तीन पॉसिबिलिटीज ये बन गया। अब क्या करेंगे, तीन टेल को लेंगे, यानी कि हेड टेल टेल हेड, तो अब क्या करेंगे, अब हेड को शिफ्ट करते जाएंगे, तो टेल हेड टेल हेड टेल, टेल टेल हेड टेल, टेल 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 हेड, कितना हो गया, चार पॉसिबिलिटीज ये हो गया। अब क्या करेंगे, हेड को सब जगह टेल कर देंगे, टेल 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 टेल, कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखा कैसे लिखा, कितना, थोड़ा सा ध्यान रखना है लिखने का तरीका। पहले मैंने एक, पहले चारों हेड लिख दिए, फिर उसमें से एक टेल को शिफ्ट करते चला गया, एक पहले यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर मैंने क्या किया, दो टेल को लिया, फिर उसको शिफ्ट करते चला गया, दिख रहा है, और फिर क्या किया, दोनों टेल को अलग अलग स्प्लिट कर दिया, दोनों टेल को स्प्लिट कर दिया, दिख रहा है ना, अच्छा ये तीन पॉसिबिलिटीज ये हो गई। फिर मैंने क्या किया, तीन टेल ले लिए, तीन टेल ले लिए, और फिर एक जो हेड था उसको मूव करते चला गया, और फिर चारों टेल ले लिए, दिख रहे हैं ये 16 पॉसिबल केसेस। यस सर, यस सर, अब एक बात बताओ, अगर चारों कॉइन को उछाला गया, अगर हेड आया तो वो 1 रुपए जीतेगा, और टेल आया तो 1.5 रुपीज लूज करेगा, तो बताओ पहली वाले में जब वो, अगर वो पहला वाला केस है, चारों हेड आ रहा है, तो उसमें 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, अमाउंट गॉट, कितना अमाउंट मिला उसको, 4 रुपीज। इसी तरह क्या हो जाएगा, तीन हेड आया तो 3 बार 1 प्लस होगा, और 1 बार 1.5 लॉस होगा, तो -1.5 कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3, 3 में से 1.5 गया, 1.5 रुपीज आ गया। यस सर, लेकिन इन सब में वही चीज है, तो इन तीनों के लिए, इन चारों के लिए, इन चारों के लिए 1.5 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, आएगा। अब इन तीनों के लिए भी एक रिजल्ट आएगा, कौन सा, ए दो हेड दो टेल, यानी कि 1 + 1 -1.5 -1.5 कितना हो जाएगा, -1 रुपीज, यानी कि इस बार अगर वो जुआ खेलेगा, अगर वो दो जुआ खेलना चाहता है दो हेड और दो टेल आने के लिए, तो उसे 1 रुपए लॉस होंगे, ना कि वो जीतेगा जुए में, ठीक है। और ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, चार पॉसिबिलिटीज हैं, और ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, चार, और ऐसी एक, ठीक है। और इधर देखो, ये तीन सेम केसेस हैं, इन तीन के लिए क्या बनेगा, दो हेड दो टेल 1। अब इसके लिए भी यही चार बनेंगे, है ना, दो हेड और दो टेल के यही चारों केसेस बनेंगे, यानी कि 1 - 1.5 + 1 - 1.5, अभी भी आंसर ₹1 ही आएगा, -1 रुपीज, ठीक है ना, -1 रुपीज, तब भी ये चार केसेस ये वाले बन गए, यानी कि -1 के कितने केसेस हो गए, टोटल 8 केसेस हो गए, एक 1.5 रुपए जीतने के केसेस कितने हो गए, 4 केसेस हो गए, और 4 रुपए जीतने के केसेस एक ही हुआ। अब इधर देखो ये वाला, इधर और ज्यादा लॉस है, क्या नाम है, ₹1 -1.5 -1.5 -1.5 कितना हो जाएगा, 1.5 में ये 1 1.5 1.5 3, 3 में से
3 और 1.5 में ये बन कैंसिल, 0.5 और ये 0.3.5, यानी कि 3.5 रुपए उसको लौटाने पड़ेंगे, मतलब लॉस होगा उसको। तो ऐसे कितने केसेस हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4 केसेस हैं, ठीक है। लास्ट वाला देखो, टेल का लास्ट वाला आपको दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा हो तो देख लो। लास्ट वाला दिख रहा होगा, चारों टेल। हाँ यस सर। अब इसमें क्या होगा, 4 बार 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, -6 रुपीज, ठीक है ना। -6 रुपीज उसको इस बार क्या होगा, लॉस होगा। एक केस हो गया ना, ये सारे केस हो गए। 4 4 8 4 12 4 सॉरी 4 4 ये 12 केस ही हो गए, तो छूट रहा क्या 4 4 16 16 केस तो यहाँ हो जाएंगे, कुछ छूट रहा है इसमें। यहाँ तीन है, -1 -1 नहीं नहीं यहाँ तीन केसेस हैं, ये तीन केसेस है ना, 4 तो ये हो गए, 3 + 3 टोटल 16 आना चाहिए, 3 + 3 6 एंड 4 + 4 8 8 + 6 14 + 2 16 टोटल 16 केसेस हो गए। यानी कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चला, कि अगर वो आदमी 4 कॉइनों को उछाल कर जुआ खेल रहा है तो या तो वो रुपीज 4 जीत सकता है, या रुपीज 1.5 जीत सकता है, और या तो फिर वो 1 रुपए लॉस में जा सकता है, या फिर वो 6 रुपए, या तो फिर -3.5 रुपीज लॉस में जा सकता है, या फिर 6 रुपए लॉस में जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। और हर एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 रुपए कितनी बार आ सकता, कितनी बार में जीत सकता है, एक बार, सिर्फ एक ऐसी पॉसिबिलिटीज है। 1.5 की 4 पॉसिबिलिटीज है, -1 की 3 पॉसिबिलिटीज है, और -3.5 की भी 3 पॉसिबिलिटीज है, एंड और कुछ छूट गया, -3.5 कौन कौन सा, 4 लिख दिया, 1.5 लिख दिया, -1 लिख दिया, -1 की 2, 3 + 3 6 पॉसिबिलिटीज है। अब ठीक है, एंड ये 3.5 हो गया, और -6 के लिए 1 पॉसिबिलिटीज हो गया। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ये हो गया टोटल, देखो 16 है ना, ये 4 यहां पर 4 है। अब ठीक है, टोटल 16 है, ठीक है, 4 + 4 8 8 + 6 14 and 2 16 टोटल 16 पॉसिबिलिटीज हो गई। ये हो गया ना, ये यही आपको रेडी करना था पूरा, ठीक है। ये अमाउंट अगला मतलब पा सकता है गेम को खेलने में, और इसकी फ्रीक्वेंसीज कितनी कितनी है, ठीक है। अब क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम, एक बताओ लास्ट में। फिर इसमें क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस अमाउंट, 1 रुपए यानी कि 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रुपीज 4 इज 1 out of 16, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1.5 4 out of 16, इसी तरह 6 out of 16 -3.5 के लिए 4 out of 16, -6 के लिए 1 out of 16। तो ये टेबल आपको तैयार करना है, पहले ये सैंपल स्पेस तैयार करना, फिर इसके लिए ये चीज तैयार करना, और फिर इसके लिए ये फ्रीक्वेंसी टेबल ये तैयार करना, और फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी टेबल, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन तैयार करके इसको कंप्लीट कर देना, ये प्रोबेबिलिटीज लिख के सबकी, ठीक है ना, समझ के बात। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में इसमें क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहा हूं, 10। कोई सा आप लोग को पूछना है, सर 9 वाले में करना क्या है, तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताया है, जैसे मैं एक किसी सवाल को लगा लूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी 60% है, तो उसको ना लगा पाऊं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 60 40
अगर मैं सवाल को लगा सकता हूँ 60% चांस है तो ना लगाने की 40% चांस है, बस इसी तरह। तो किसी काम को कर लू उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ना होने की 1 - 1/3 यानी कि 2/3। ठीक है, 10 वाले में देखो, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर द वर्ड अ वोवेल और अ कंसोनेंट इज चूजन। वोवेल और कंसोनेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, वोवेल और कंसोनेंट। क्या है, अ लेटर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, assassination, इस वर्ड assassination में एक वर्ड चूज किया गया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लेटर इज अ वोवेल। पहले तो देख लो इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं, इसका सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है, ए चूज हो सकता है, एस चूज हो सकता है, आई हो सकता है, एन हो सकता है, टी हो सकता है और ओ हो सकता है, और कोई वर्ड नहीं है इसमें। ए डबल एस आई एन ए T-I-O-N, assassination, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, A letter is chosen at a random, letter को randomly choose किया गया, एक letter को, A letter is chosen, एक ही letter को choose किया गया, क्या probability की vowel हो वो, तो इसमें से ई बाय द इवेंट मान लो गेटिंग अ वोवेल, गेटिंग अ वोवेल, तो इसकी इसका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, अरे रोस्टर फॉर्म ए आई और ओ, और ई डैश क्या हो जाएगा, नॉट वोवेल, नॉट वोवेल। तो हम लोग इसी की मदद से इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई क्या हो जाएगा, 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/6 यानी कि 1/2 है ना। therefore probability of e dash क्या होगा, 1 - probability of e होगा कि नहीं होगा, वन बाई टू, समझ गए बात, 1 - 1/2 ये सर इसे एक्सोमेटिक थ्योरी से नहीं करेंगे क्या, अप्रोच ऑफ थ्योरी से, एक्सोमेटिक से ही तो किया है। ये देखो यहाँ ये 3/6 कैसे आया, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस आई की प्रोबेबिलिटी प्लस ओ की प्रोबेबिलिटी, तीनों को ऐड करोगे तो 3/6 बनेगा, 3/6 को सॉल्व करोगे तो 1/2 बन जाएगा, समझ गए बात, ठीक है, यस सर। और फिर यहाँ पर ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला तुम जानते हो प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो सर ये वाला इतना ही होगा क्या, बस और क्या होगा, अब ये वोवेल का हो गया, ये कॉन्सोनेंट का हो गया, ठीक है, ओके सर। देखो 11 वाला देखो, कर लोगे, इलेवन वाला देखिए, देखा 11 क्वेश्चन, हेलो बच्चों आवाज आ रही है, यस सर, 11 वाला क्वेश्चन देखा, यस सर, कुछ पूछना है बताऊं या फिर आगे बढ़े, नहीं बताओ, ठीक है। एक लॉटरी, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट अ रैंडम फ्रॉम द 1 to 20,
एंड इफ दिस सिक्स नंबर्स मैच विद द सिक्स नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी ही विंस द प्राइज. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम. बहुत अच्छा. ऑर्डर ऑफ लास्ट में क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ अ नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट. परमिटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग ने पढ़ा ही था. देखो जो लॉटरी है ये लॉटरी का सिक्स डिजिट कोड है, ये मैच करना है और हर एक जो है 1 से लेके 20 के बीच में होगा, यानी कि 1 से लेके 20 के बीच में ही आपको किसी को सेलेक्ट करना है. यानी कि यहाँ पर 20 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर भी 20 में से कोई भी नंबर आ सकता है. ठीक है, तो पहली चीज ये कि पर्सन जो है कैसे सेलेक्ट कर सकता है. ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है. तो जब ऑर्डर नहीं मैटर करता तो हम लोग परमिटेशन लगाते हैं कि कॉम्बिनेशन लगाते हैं. कौन बताएगा है परमिटेशन तो ऑर्डर मैटर करता है तब लगाते हैं परमिटेशन. ऑर्डर मैटर नहीं करना है यहाँ पे. द ऑर्डर ऑफ अ नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा कॉम्बिनेशन. यानी कि इस प्लेस पर पहले कोई भी 20 में से कोई एक सेलेक्ट हो जाएगा इनटू. और सिक्स डिफरेंट नंबर बोला है या सेम बोला है, सिक्स डिफरेंट नंबर, सारे के सारे नंबर अलग होंगे. यानी कि जो 20 नंबर 20 में से एक नंबर यहाँ सेलेक्ट हुआ वो यहाँ नहीं होगा. यानी कि 19C1 यहाँ पर होगा सेलेक्ट इंटू 19C2 इंटू 19C3 ऐसे. ये अलग अलग कई सारे नंबर है. तो अल्टीमेटली 20C1 को जब तुम सॉल्व करोगे ठीक है ना, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 1 2 3 4 5 6. देखो 6 डिजिट का नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया ना कि नहीं किया. Yes, sir. और सेलेक्ट कितने कर सकते थे, 6 डिजिट के ये सेलेक्ट, 6 डिजिट का ये नंबर आप इनमें इतनी पॉसिबिलिटीज बनती है. लेकिन एक बात बताओ, जो लॉटरी होगा वो तो किसी एक पर होगा, यूनिक होगा ना. यानी कि ये टोटल सैंपल स्पेस में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. आवाज आ रही है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक. ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है जो 20 अलग अलग 6 अलग अलग डिजिट्स को यूज किया जाए 1 से लेके 20. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई क्या है, मैच विद टॉपर, मैच विद लॉटरी. लॉटरी से मैच हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी. लॉटरी जो मैच करेगा वो ए अपने आप में एक यूनिक नंबर होगा कोई, ठीक है ना. तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 1/20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू अप टू इंटू 15. तो यानी कि क्या हो जाएगा 1/, अब इस चीज को क्या लिख सकते हो आप 20 से लेके 15 को, 20P5 लिख सकते हो, 20P6 ना, 1 2 3 4 5 6 हाँ 20P6 ये लिख सकते हो, 20P6 लिख दिया. ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉसिबल रिक्वायर्ड आंसर. देखिए आंसर यही आ रहा है क्या, 20P6 1/20P6 एक बार देख लीजिए. मेरे अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए. हाँ तो हो सकता है इनको मल्टीप्लाई किया हो इन सबको. ठीक है, 20 × 10 200 400 400 and 4
6 4 4 16 6 4 4 16 एंड 4 400 को ऐड करते हैं अगर हम लोग 6 400 प्लस एक बार करके देखना 20 P6 की वैल्यू देखना क्या आ रही है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाना चाहिए इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा होगा फिर और क्या। नेक्स्ट देखो, अब तब से नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 तो कर लोगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो ए यूनियन बी निकालना है इसमें। ठीक है ना, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। अब देखो ये कंसिस्टेंटली तभी डिफाइंड होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्मूला को अगर सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, और जैसे सेकंड वाला है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और ए यूनियन बी दिया है, आप ए इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालोगे, ए इंटरसेक्शन की वैल्यू देखना, जैसे कि एक करके दिखा रहा हूँ। देखो जैसे ये वाला सवाल, जैसे आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या दिया है 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में रख दो इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में रख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 0.8, 0.4 प्लस 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको 0.8, 5 4 9, 0.8 माइनस 0.9 इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको सॉल्व करोगे माइनस 0.1 इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 आ गया ना इसकी प्रोबेबिलिटी, आ गया ना इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। और क्या ये 0.1 पॉजिटिव है, 0 और 1 के बीच में है? सर हाँ है, और ये तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है इस फॉर्मूले को अब, तो ये हमारा कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, कंसिस्टेंसी चेक करने का। आप लोग एक एग्जांपल नंबर ये देख लेना, कंसिस्टेंसी वाला क्वेश्चन एक है बुक में देखा है मैंने, ट्वेल्व एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर नहीं 12 में नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 12 नहीं, एक कंसिस्टेंसी चेक करने का होता है फॉर्मूला। कंसिस्टेंसी के लिए एक सिचुएशन होती है कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन होनी चाहिए, फिर हर एक की प्रोबेबिलिटी इसके बीच में लाई करनी चाहिए, इस बारे में था। इसमें दिख नहीं रहा है मुझे, असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कंडीशन देखता हूं मैं, कहीं पर कंसिस्टेंसी के लिए नहीं होगा तो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए एक सिचुएशन होती है, ठीक है, आपकी बुक में तो दिख नहीं रही है मुझे, मैं अलग से देख के कहीं से बता दूंगा आपको। देखो कैसे करेंगे, कहाँ गया, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से होगा ये, नेक्स्ट 13 वाला भी कर लेंगे। यस ठीक, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है बी दिया है 14 में, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड ए और बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है ना। पूछना है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लोगे, उसमें ये सारी वैल्यूज दी हुई है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ई और ई इंटरसेक्शन एफ भी दिया है, सारी वैल्यूज लिखोगे ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या पूछा है, नॉट ए एंड नॉट बी, डी मॉर्गन्स लॉ लगा देना, ठीक है ना। नॉट ए एंड नॉट बी निकालना है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से। और किसी भी चीज प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एफ। ए यूनियन एफ को आप पहले वाले में निकालोगे और फिर इसमें पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, समझ के बात, इस तरह करेंगे। और क्या है इसमें, इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट नॉट ई एंड नॉट एफ स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए आप क्या करोगे, यहां तक समझ में आया ना? यस सर। ठीक, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, फिर बचे हुए क्वेश्चन अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज थोड़ा सा अब लेट हो चुका है। चलिए, तो इसमें आज के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 तक ही टच करूंगा और दो चार क्वेश्चन जो है वो कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ इज इक्वल टू क्या है, 0.25। स्टेट क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्या ई एंड एफ, आपको ये बात प्रूफ करनी है, इज ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? अब एक बात बताओ, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, फाई आए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होनी चाहिए, जीरो। तो आपको ये चीज प्रूफ करनी है, अगर ये चीज है तो क्या ये होगी, हाँ या ना, बस। तो कैसे करोगे, देखो आपको कुछ तरीका ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे हम इन दोनों में रिलेशन बैठा पाए, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, देखते हैं इसकी, इसको देखो, हम लोग अभी अभी देखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज 1 माइनस is 1 minus probability of E intersection F, ये होता है not E minus 1 minus probability of not E, probability of occurrence of any one of them is 1 minus probability of occurrence none of them, ठीक है। तो 1 minus probability of not E intersection not F, वो कैसे करेंगे probability इसको निकालने के लिए, अब इसकी probability आपको 0.5 पती है तो यहां रख दो, क्या आ जाएगा 0.75, ये होता है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, हम लोग ये जानते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए, टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयर इंटरसेक्शन इज पाई,
एक मिनट, अगर इसको ऐसे करें इसके लिए 16 के लिए कोई और तरीका मैं बताता हूँ, है ना? 16 भी एक बार रहने दीजिए आज के लिए। तो बचे 16 से, क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग कुछ क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो हो रहा है कि आपको, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे हम इन दोनों में कोई रिलेशन सेट कर सके, ठीक है? और बचे हुए क्वेश्चन जो है हालांकि ईजी है ज्यादातर, ठीक है ना? बचे हुए क्वेश्चन जो है ईजी है, बदले में मैं अभी 16 जो नहीं हो पाया इसके लिए फिर मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है कुछ और तरीके से, ठीक है? आप एक बार 17 देख लीजिए फिर। ए एंड बी आर द इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ सर, रिक्वायर्ड थोड़ी ना है कि ई एंड एफ मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अपन शो ही करें। यही शो करना है कि है या नहीं है, पहली चीज तो है या नहीं है करने के लिए दोनों में कोई लिंक तो होना चाहिए ना हमारे पास, ये बात है, समझ गए? नहीं समझे? हमारा दी गई जानकारी के हिसाब से हमारे पास कुछ तो जानकारी होनी चाहिए जिससे हम इसको कनेक्ट करके बोल सके हाँ ये है या नहीं ऐसा कुछ, ठीक है ना? ये वजह है। तो मैं इसी बारे में सोचूंगा कुछ कि कुछ पता चल जाए ऐसा, ठीक है? इसके बारे में मैं सोच के बताता हूँ। टिल देन ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए एक बार।